तकरीबन 2500 साल पहले आज ही के दिन उस सूर्य का जन्म हुआ था जिसने हमेशा हमेशा के लिए मानवता की राहें आलोकित कर दी। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। कल और आज के बीच कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख बदली है, लेकिन यह तारीख ऐसी है कि भारतवर्ष के हजारों सालों के इतिहास से सिर्फ ये एक तारीख, ये एक दिन, सिर्फ आज का दिन डिलीट कर दिया जाए तो शायद ये दुनिया हमें विश्व गुरु मानने में संकोच करने लगे। ये वो धरती है जिसने राम कृष्ण जैसे अवतार और महावीर आदि शंकराचार्य जैसे युग पुरुष जन्मे हैं, लेकिन एक बुद्ध ना होते तो हमारी सनातन संपदा अधूरी रह जाती। हम आध्यात्मिकता के उस शिखर की झलक कभी ना पाते जहां पहुंचकर हम विश्व गुरु कहलाए। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपके साथ बांटूंगा ओशो की वो कहानियां जो बुद्ध और बुद्धत्व की ओर इशारा करती हैं। पहले एक बात समझ लें, बुद्ध 563 BC में हुए थे, लेकिन उनकी बातें 2021 की हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि वो 2500 साल पहले के कालखंड से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा आज की है, उनके सूत्र आज के हैं। ओशो बुद्ध को दुनिया का पहला धर्म वैज्ञानिक कहते थे, द फर्स्ट रिलीजन साइंटिस्ट, क्योंकि बुद्ध ने रिलीजन को रैशनैलिटी से, तर्क से परे कभी नहीं माना। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, उसी पर श्रद्धा रखो। मैंने जो कहा वो मेरा सच है, अपना सच तुम ढूंढो। मैं तुम्हें सच के बने बनाए रेडीमेड पैकेट्स देने के लिए नहीं बैठा हूं, एक इशारा करूंगा, उंगली दिखा दूंगा, रास्ते पर चलना और गंतव्य ढूंढना तुम्हारा काम है। शाक्य वंश का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना क्यों? क्योंकि वो दुख स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो दुख की जड़ों तक पहुंच के उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। बुद्ध का बेसिक सूत्र एकदम सिंप्लीफाइड, उनके पूरे शोध का निचोड़, दुख समुदाय निरोध मार्गश्चत्वार आर्य बुद्धस्य भिमतानि तत्वानि, यानी संसार दुख में है, दुख का कारण है तृष्णा लालच और दुख का उपाय संभव है। कहां है हमारे दुख की जड़ें? उत्तर ओशो की इन कहानियों में छुपा है। सुनिए। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भारत आते हुए यूनान के एक प्रसिद्ध फकीर डायोजनीस से मिलने पहुंचा। डायोजनीस एकदम नग्न निर्वस्त्र नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने कहा, डायोजनीस तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है। डायोजनीस हंसने लगा, बोला, जो खुद को महान कहता हो वो पागल है, और ऐसा वैसा नहीं, महान पागल है। सिकंदर चकित रह गया, क्या बोल रहा है ये नंगा फकीर? उसने डायोजनीस से कहा, क्या तू मुझे पहचान नहीं रहा? मैं विश्व विजेता सिकंदर, अथाह प्रभुत्व और संपदा का स्वामी। डायोजनीस बोला, स्वामी, तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और तू खुद को अथाह संपदा का स्वामी कहता है। ये जो तू महान होने का दावा कर रहा है, ये अपने अंदर की दरिद्रता को छुपाने के लिए ही तो है। ये आभूषण, ये राजसी वस्त्र, ये फौज, ये सब बाहरी दिखावा है, अंदर से तू बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर ले, ऐसे तू भर नहीं पाएगा। बात सच थी और सिकंदर मूर्ख नहीं था। उसके दिल पर लग गई, इतनी चोट से कही गई थी वो बात, इतनी मस्ती में कही गई थी, इतनी सच्चाई से कही गई थी, और जिस आदमी ने कही थी उसकी बेफिक्री सामने दिख रही थी, उसकी निडरता सामने दिख रही थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और बोला, मानता हूं डायोजनीस, तुम दुनिया के अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीनता का अनुभव हो रहा है, जिसके सामने मैं सचमुच खुद को दरिद्र पा रहा हूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, फिर भी कुछ तो है जिसके आगे मेरा सारा ऐश्वर्य, मेरा सारा वैभव फीका पड़ गया है, मैं दीनहीन मालूम पड़ रहा हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीस ने कहा, तेरे पास सब कुछ है,
फिर भी तुझे और कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तू भिखारी है और मैं सम्राट हूं। सिकंदर ने सर झुकाकर कहा, मिलकर खुशी हुई आपसे। अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा जन्म दिया तो मैं उससे कहूंगा कि इस बार सिकंदर न बना, डायोजनीस बनाकर पैदा कर। यह सुनते ही डायोजनीस और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, पागल है तू, अरे अभी डायोजनीस क्यों नहीं हो जाता, अगले जन्म का क्या भरोसा। बात याद रहे, भूल जाए, परमात्मा राजी हो या ना हो, अगला जन्म हो या ना हो, कल का भरोसा नहीं और तू अगले जन्म की बात कर रहा है। मेरे जैसा होना है तो वाह, लेट जा यही नदी के तट पर, यह तट बहुत बड़ा है, तेरे और मेरे दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। आ जा, विश्राम कर, बहुत दौड़ लिया, बहुत देश और राज्य जीत लिए, थक गया होगा, लेट जा। ये दिल जो चांद की जानिब उड़ा था, दफन मिट्टी में होना चाहता है, बहुत खेला भरी दोपहरियों में, ये बच्चा अब तो सोना चाहता है। आज सिकंदर फिर से बच्चा बन जा, भूल जा वो आक्रमणकारी जो हाथ में तलवार लिए नगर नगर घूमता रहता है। थम जा सिकंदर, रुक जा, डायोजनीस हो जा, भेज दे अपनी फौजें वापस, कह दे अपने सेनापतियों से कि जाओ, मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया, यही नदी का तट मेरा साम्राज्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर ने कहा, यह मुश्किल है, आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है। डायोजनीस ने कहा, अगर आज मुश्किल है तो हमेशा मुश्किल रहेगा, जो आज हो सकता है वही हमेशा हो सकता है। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूं, कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। डायोजनीस ने कहा, क्या मांगू, मेरे अंदर से कोई मांग उठती ही नहीं। सिकंदर ने जिद पकड़ ली कि इस धरती पर, यहां तक कि समुद्र के सातवें गर्भ में भी अगर कोई चीज है जो आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं, मांग के देखिए। डायोजनीस ने कहा, तू अगर इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं तुझे निराश नहीं करूंगा, तू देना ही चाहता है तो मैं लूंगा जरूर। ऐसा कर सिकंदर, मुझे मेरी धूप वापस दे दे। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया। डायोजनीस ने इशारा किया, थोड़ा सामने से हट जा, तूने मेरी धूप रोक रखी है। इस कहानी में बुद्ध कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह मौजूद है। तृष्णा, लालच, जब तक लालच बाकी है तुम सिकंदर की तरह विश्व विजयी होके भी दरिद्र बने रहोगे, जिस दिन लालच मर गया उस दिन डायोजनीस की तरह सम्राट बन जाओगे। अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम त्यागी बन जाएं, मतलब बहुत सीधा सा है जो श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः मात संगोस्तव कर्मणे। Your right is to work only, but never to its fruits. Let not the fruits of action be the motive. और ये सफलता का भी सूत्र है। अगर हमारी सारी एनर्जी फल की तरफ बहने लगी तो कर्म पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर यही सोचता रहूं कि मेरा अगला गाना चार्ट्स में नंबर वन पे चला जाए तो गाना लिखूंगा कैसे, वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा जो लिखने के लिए चाहिए। तरीका ये है कि लिखो पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, ऐसे कि जैसे ये मेरा आखिरी गाना है, फिर जो होना है वो होगा। चार्ट्स में गाना टॉप पर जाए या ना जाए, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मेरे जो गाने टॉप पर गए उनमें भी मेरा योगदान सिर्फ लिखने भर का था, और जो नहीं गए उनमें भी। तो मैं फल की चिंता में अपना मन क्यों भारी करूं, और वैसे भी कोई अंत है क्या, भिखारी होने का कोई अंत नहीं है। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए। नहीं है पांव के नीचे जमीने, मगर अंबर पे तारे टांकता हूं, मुनासिब जो लगे वो देना मौला, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूं। मां सीता जंगल में थी तो उनको सोने का हिरन चाहिए था, और सोने की लंका पहुंच गई तो राम चाहिए थे। दिल आज तक किसी का नहीं भरा तो हमारा कैसे भर जाएगा। दिल को भरने के लिए जिंदगी को खुशियों से खाली क्यों करना। अगली कहानी सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। एक सम्राट के द्वार पर एक फकीर ने सुबह सुबह आकर भिक्षा मांगी, भिक्षा पात्र फैलाया। सम्राट द्वार पर ही खड़ा था, और सम्राट भी कैसा, बड़ा अहंकारी, अपनी संपदा पर बड़ा अभिमान रखने वाला। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ इसके भिक्षा पात्र को अन्न से भर दो। फकीर ने सम्राट का अहंकार भांप लिया, कहा
एक शर्त पर मैं भिक्षा लेता हूं राजन, मेरा पात्र पूरा भरोगे ना? अधूरा भरा हुआ पात्र लेकर मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, शायद तुझे पता नहीं तो इस धरती के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। तू क्या सोचता है, तेरे इस छोटे से पात्र को मैं भर नहीं पाऊंगा? भिखारी बोला, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के द्वार पर मैंने भिक्षा मांगी, अब तक तो कोई नहीं भर पाया, आप भी प्रयास कर लें। राजा के अहंकार को बड़ी गहरी चोट लगी। उसने अपने मंत्री से कहा कि अब अन्न से नहीं इसका पात्र स्वर्ण मुद्राओं से भरा जाएगा। जरा ये फकीर भी तो देखे कि दूसरे राजाओं में और मुझ में कितना अंतर है। मैं इस धरती का कुबेर हूं, धन दौलत की मुझे कोई कमी नहीं। मंत्री गए, स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, पात्र में डालते ही मुद्राएं गायब, पात्र खाली का खाली। राजा घबराया, लेकिन एक फकीर के सामने हार जाना उचित न था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि आज मैं हूं और यह भिक्षा का पात्र है, चाहे मेरी सारी संपत्ति इसमें क्यों ना डाल दी जाए, लेकिन भिक्षा का पात्र भरना ही होगा, यह भर के ही रहेगा। सुबह यह बात हुई थी और दोपहर हो गई, राजा की तिजोरियां खाली होने लगी। शाम आ गई, लेकिन पात्र खाली का खाली, जो डाला गायब। राजा फकीर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये पात्र बहुत अद्भुत मालूम होता है। कोई जादू है इसमें, कोई मंत्र सिद्ध है, क्या है कि यह छोटा सा भिक्षा पात्र मेरी पूरी संपत्ति पी गया, फिर भी खाली है। फकीर हंसने लगा और बोला, यह भिक्षा पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है, उसी मांस मज्जा चमड़ी और उन्हीं कोशिकाओं से जिनसे मनुष्य का हृदय बनता है। यह भिक्षा पात्र इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि मनुष्य का हृदय कभी भर ही नहीं सकता, उसे रिक्त रहने का, खाली रहने का श्राप है। बुद्ध कहते हैं, वासना दुष्पूर है। दुष्पूर यानी जो कभी पूरा ही ना हो सके। कोई कितना ही भरना चाहे भर ना पाएगा, जैसे पेंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो। इसमें कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं है, पेंदी ही नहीं है तो बर्तन भरेगा कैसे, वो दुष्पूर है। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं अमीर की भी, दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना रास्ते का भिखारी, क्योंकि वासना दुष्पूर है। तो जीवन जीने का सही तरीका क्या है, खुश कैसे रहें, मंत्र क्या है प्रसन्नता का, ओशो की अगली कहानी सुनिए, उत्तर मिल जाएगा। बुद्ध का एक शिष्य हुआ था पूर्ण काश्यप। वो निश्चित ही पूर्ण हो चुका था, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तो सच में पूर्ण हो ही गया है, अब मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, अब तू जा गांव गांव नगर नगर घूम, देशाटन कर और लोगों में मेरे उपदेश बांट, मेरे पास जो तूने पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान मैं किस दिशा में जाऊं, आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, मेरे इशारे की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण ने कहा कि मैं अपनी यात्रा सूखा से शुरू करता हूं। सूखा नाम का एक इलाका था उन दिनों बिहार में। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह ठीक नहीं है, लोग सज्जन नहीं है, बड़े दुष्ट हैं, तुझे परेशान करेंगे, इन पीत वस्त्रों में उन्होंने कोई भिक्षु कभी देखा ही नहीं, बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पूर्ण ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा, कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए, मुझे जाना होगा, आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जाना ही चाहता है तो जा, मगर मेरे कुछ सवालों के जवाब देता जा। पहला, अगर वह तुझे गालियां दें, अपमान करें, तो तू क्या करेगा? पूर्ण ने कहा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भगवान, धन्यवाद कहूंगा उनको, कितने भरे लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, और अगर मारने ही लगे तो, पीटने ही लगे तो? पूर्ण ने कहा, फिर भी धन्यवाद ही कहूंगा कि मारते पीटते तो हैं, लेकिन जान से नहीं मारते, जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल, अगर जान से ही मार दें तो? पूर्ण ने कहा, फिर तो मैं मरते मरते भी उनको धन्यवाद कहूंगा कि उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी, कोई पाप हो सकता था, अब जीवन ही नहीं रहा तो कोई गलती होने की संभावना भी नहीं रही, मैं निर्दोष हो गया, पवित्र हो गया।
बुद्ध मुस्कराए और कहा, अब तू जा, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुश रहने का मंत्र यही तो है, हर अंधेरे में उजाले की एक किरण ढूंढ लेना, हर आपदा में अवसर ढूंढ लेना, हर दुख में सुख की लकीर ढूंढ लेना। एक बार फिर आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की आकाश पर बधाइयां। थैंक यू फॉर योर टाइम।